जय नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का ये वीडियो जो एसएससी का स्टेटस जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर है दोस्तों, क्योंकि बहुत टेंशन में आ गए हैं इस रिपोर्ट को देख के। बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं बार बार मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी, मेरे जो यूट्यूब का पहले मैंने वीडियो बनाया था उस पर भी बहुत सारे हैं कि सर इसमें रिपोर्ट में तो कहीं डेट आई नहीं कोई, तो क्या रिजल्ट बहुत लेट हो जाएगा, मतलब फरवरी तक का, तो 26 फरवरी तक का तो वो आ गया है और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रखे हैं। तो मैंने कल भी एक पोस्ट की थी, मैंने कहा आपका सारा टेंशन दूर कर देंगे। और जैसा कि पता है मैं कुछ भी चीज़ बिना फैक्ट या बिना प्रूफ के नहीं करता, तो आज भी आपका टेंशन दूर करेंगे, वो भी विथ प्रूफ दूर करेंगे, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखना ज़िंदगी में दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक अच्छी सी आपको बात बता दूं, याद रखना ज़िंदगी में हमेशा उसके बारे में सोचना जो आप कर सकते हो, जो आप नहीं कर सकते उसके बारे में कभी सोचना भी नहीं। एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो आप तो नहीं ला सकते, ना मैं ला सकता हूँ, तो हमको इसके बारे में इतना नहीं सोचना है कि हम बिल्कुल टेंस हो जाए, बहुत उदास हो जाए, सैड हो जाए। नहीं, जो काम आप हम कर सकते हैं अपने हाथ से के अपने दिमाग से उसके बारे में सोचना है। तो अभी आप केवल इंतजार कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अच्छा ये है कि आप दूसरे एग्जामों की भी साथ में तैयारी करते रहो, जीवन में आगे आपको काम आएगी। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन का जो आप देख रहे हो, ये आई है तो दोस्तों अब बात करते हैं हम जो एसएससी का जो स्टेटस जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में। दोस्तों आपको पता है कि इसमें केवल पाँच एग्जाम दिए हैं जिनका रिजल्ट की डेट आई है। जूनियर इंजीनियर, कॉमन हायर सेकेंडरी स्कूल, 10+2, जूनियर हिंदी, ट्रांसलेटर, कॉमिक ग्रेजुएशन और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, मतलब जो सीपीओ का है, इनकी ही डेट है, इसमें एसएससी जीटी की डेट नहीं है। तो इस नोटिस को देख के बहुत ज़्यादा लोग मतलब परेशान हो गए हैं कि सर क्या होगा अब रिजल्ट, तो मतलब 26 फरवरी तक की तो एसएससी ने डेट दे दी। अगर 26 फरवरी तक की एसएससी ने डेट दे दी तो फिर इसका मतलब ये मान के चलो कि भाई फरवरी तक रिजल्ट नहीं आएगा, 26 फरवरी तक। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जितना जब तक एसएससी जो आपको जो पता है वो, जैसे पहले मैंने पता करके देखा कि भाई हाँ दिसंबर 3 तक रिजल्ट आ सकता है, और अभी भी वहाँ पे वही इंक्वायरी में आपको वही बात मिलेगी, चाहे आप ईमेल कर लो चाहे कॉल कर लो। तो अगर उस तक रिजल्ट नहीं आया दोस्तों, तो भी आप मार्च तक इतना डरने की जरूरत नहीं है कि 26 फरवरी तक या मार्च तक रिजल्ट चला जाएगा। अब दोस्तों इसके पीछे का क्या रीजन है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ विद प्रूफ, कि आपको इतना घबराने की जरूरत क्यों नहीं है। जरूरी नहीं कि स्टेटस रिपोर्ट में आपका रिजल्ट की डेट नहीं आई तो रिजल्ट आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये केवल उन एग्जामों की डेट होती है जिनका फिक्स रिजल्ट होता है कि हाँ भाई इनका तो आना ही आना है 100%। एसएससी जीडी आपको पता है बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, एक डेट डिसाइड कर पाना इतना जल्दी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें अभी डॉक्यूमेंट्स के चल रहे हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर स्टेटस रिपोर्ट में डेट नहीं आई तो रिजल्ट नहीं आएगा जब तक, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते रहिए, अभी आपको दिखाऊंगा इसका प्रूफ क्या है दोस्तों। स्क्रीन पर आप अच्छे से देखते रहिए और फिर ये आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो, कैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम थोड़ा सा पीछे चलिए और हम चलते हैं जो एसएससी की पिछली जो रिपोर्टें हैं, कुछ स्टेटस रिपोर्टें, उनको देखते हैं और उनका आकलन करते हैं कि क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। तो उनमें क्या क्या गलत है, क्या क्या सही है, तो हम दोस्तों चलते हैं 1 सितंबर को एसएससी की स्टेटस रिपोर्ट आई थी 1 सितंबर को दोस्तों, तो उसमें क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, इसमें जो आप देख रहे हो इसमें एक चीज़ है कि इसमें भी 5 ही एग्जाम का रिजल्ट दिखाया गया है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जो कि उसमें भी दिखा रखा है, ठीक। और ये ग्रेजुएशन वाला है जून में, जिसका रिजल्ट जुलाई में आया हुआ, आप देख ही रहे हो 1 जुलाई 2000 मतलब 20 को आया हुआ। अब इसके नीचे देखिए किस डेट से, 1/9/2020 से, मतलब ये रिपोर्ट आई है, मतलब 1 सितंबर से, कब तक के लिए, 20 अक्टूबर तक के लिए ये रिपोर्ट है, ठीक
ठीक है, क्योंकि फिर अगली रिपोर्ट 20 अक्टूबर को आई थी, तो तक के लिए ये रिपोर्ट है। तो इसमें देखा है केवल नीचे के जो तीन एग्जाम है इनका ही रिजल्ट आएगा इस बीच में, 21/9/2020, 31/10/2020 और 4/10/2020, मतलब 31 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 21 सितंबर, मतलब तीन ही एग्जाम के रिजल्ट आएंगे एसएससी की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार। आप खुद देख सकते हो अपने मोबाइल में जाके कब की, 1 सितंबर 2020 की रिपोर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तीन एग्जामों का इन्होंने रिकॉर्ड मतलब ऐसे बोला कि भाई इन तीन एग्जामों के मतलब जो रिजल्ट है उनकी डेट दी, तो फिर तो तीन के रिजल्ट आने चाहिए ना, ये बात तो आप भी एग्री करोगे मेरे साथ, भाई इन्होंने खुद ने बोला है। लेकिन अब रिजल्ट कितनों के आए वो मैं आपको काउंट कराऊंगा कब से कब तक के बीच में, 1 सितंबर से 20 अक्टूबर नहीं, इसमें वैसे तो 31 अक्टूबर तक की डेट है, लेकिन अगली जो रिपोर्ट आई थी वो 20 अक्टूबर को ही आ गई थी, तो हम 20 अक्टूबर तक का ही देखते हैं। तो दोस्तों अब चलिए, अब हम यहाँ से सीधा चलते हैं रिजल्ट पर, ऊपर से जहाँ से ऑप्शन मिलते हैं हमको रिजल्ट के कि रिजल्ट कितने आए हैं। अभी रुको, इसको डेस्कटॉप साइड में कर देते हैं पहले, ये लीजिए दोस्तों डेस्कटॉप साइड में कर दिया। ये रिजल्ट हमको देखना है 1 सितंबर से 20 अक्टूबर, वैसे तो 31 अक्टूबर का अगर हम काउंट नहीं करें तो उसके अनुसार केवल दो ही रिजल्ट आए हैं, लेकिन हम अगर उसको काउंट करें तो भी तीन है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं 1 सितंबर के बाद में रिजल्ट। तो देखिए इधर सबसे पहला रिजल्ट है वो आ गया था 7/10 को एक रिजल्ट आ रखा है, ठीक है, 30/9 को 2, 30/9 को एक और आ रखा है, 3, 30/9 को एक और आ रखा है लेवल 3 टायर का। तो ये एक ही जो 30/9 वाला है, ये तीन चार जो रिजल्ट दिखा रहे हैं वैसे एक ही रिजल्ट है। तो एक तो ये 7/10 को यानी 7 अक्टूबर को आ रखा है, और आ रखा है 30/9 को, ठीक है, 2 हो गए, उसके अनुसार दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद में तो फिर कोई उसके अनुसार अगर कंप्लीट हो गए रिपोर्ट के अनुसार फिर तो कोई रिजल्ट आने ही नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं, चलो अब हम CHSL में चलते हैं, CHSL में कोई रिपोर्ट कोई रिजल्ट नहीं आया है। स्टेनो में चलते हैं, स्टेनो में 28/9 को आया, तो ये भी उससे बाहर हो गया दोस्तों, इसमें भी कोई हमको मतलब वाली बात नहीं है। JEE में चलते हैं, 11/9, तो 11/9 ये तीसरा रिजल्ट आ गया, 1 सितंबर की बात थी ना, 1 सितंबर से बाद में जो भी आएंगे, ये तीसरा रिजल्ट हो गया 11/9 वाला, ठीक है, तीन रिजल्ट हो गए। अब CAPF में चलते हैं, 27/2 कॉन्स्टेबल नहीं है, JET 13/11/9 में हो गया, अरे ये 30/10 जो वहाँ पे 30/10 दिखा रखा था उससे पहले ये 30/10 का भी आ रखा है, ये चौथा हो गया दोस्तों। उसके अलावा 29/10 को भी आ रखा है, 30/10 को और आ रखा है, ठीक है, उसके बाद में आप देख लीजिए 29/10 को एक और आ रखा है, और ये 14/9 मतलब 14 सितंबर 2020 को ये भी रिजल्ट राइट अप रिजल्ट आ रखा है दोस्तों। तो अब ये रिजल्ट फिर तो उसमें तो केवल दो ही रिजल्ट थे दोस्तों 20 अक्टूबर तक, जबकि 20 अक्टूबर तक रिजल्ट इधर अगर हम देखें तो 20 अक्टूबर तक रिजल्ट आ गए 5 से 6 रिजल्ट। ये आप खुद भी चेक कर सकते हो, मेरी बताने की जरूरत नहीं है। अब हमने केवल एक एनालाइज किया, केवल एक का, अगर हम दूसरी रिपोर्ट पे जाएं तो उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसा होता है। तो अगर उसमें ये बात कतई नहीं है कि अगर उसमें लिस्ट में अगर आपका नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं, आप इतने उदास निराश मत होइए। इतने मेरे को पता है कल कमेंट बॉक्स में इतना गुस्सा आ रखा है लोगों को, इतने कमेंट कर रहे हैं कि सर हम क्या करेंगे, हम इतनी परेशानी है, परेशानी सबके जीवन में चलती रहती है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में कि ज़िंदगी में परेशान उस चीज़ के लिए होना जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होती उसके लिए कभी भी अपने आप को दोषी या तकलीफ या सेड नहीं करना है। अपने हाथ से कुछ गलती हो जाए उसके लिए निराश होना है। अब जो रिजल्ट मुझे बताओ कि आपके उदास होने से रिजल्ट जल्दी नहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो लेकर रिपोर्ट में आपका लिस्ट में नाम नहीं है SSC GT का तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी कतई ज़रूरी नहीं है। कभी भी रिपोर्ट नई रिपोर्ट आ सके,
रिपोर्ट नहीं तो सीधा नोटिस आ सकता है, एसएससी जीडी डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑन डेट कभी भी आ सकता है। तो इतना घबराइए मत, इतना टेंशन में ना हो, अच्छे से रहे। और फालतू के चैनलों पे जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या मतलब भड़का रहे हैं कि अब रिजल्ट नहीं आएगा, ये करो वो करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा आपको बताइए, हर एक वैकेंसी में ऐसा चलता रहता है, वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, प्रोसेस डेली चल रही है, लेकिन हाँ मार्च तक रिजल्ट नहीं जाएगा, आपको जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहिए, ठीक है।